18 अप्रैल को ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एलजीएफ और यूजीएफ के पोलिंग एजेंटों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दावे में कहा गया है कि केरल के कासरगौड़ में मॉक पोल के दौरान कम से कम 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने बीजेपी के पक्ष में अतिरिक्त मतदान दर्ज किए हैं। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने एक मौखिक आदेश पारित किया जिसमें चुनाव आयोग को इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया है।